ये बिन मौसम की बारिश ही तो सारे मसाले खराब कर दिए। मसाले को छोड़ गुन, ये तो बिगड़ गए ना तो दूसरे बन जाएंगे, लेकिन घर की इज्जत एक बार गई तो गई। भाभी, मसाले से घर की इज्जत का क्या लेना देना? मसाले से ना सही, लेकिन इस बारिश से है विद्या भाई। लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा, आप दो आंखें बंद करके अपनी दोनों बेटियों पे भरोसा करते हैं। हमारे यश से एक छोटी सी गलती क्या हो गई, एक छोटा सा हादसा क्या हो गया, सबके आंख कान खड़े हो गए थे। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि उसे पापी और हत्यारा कह के ताना ना मारा हो आपकी कुमुद ने। भाभी, कुमुद की अगर कोई बात आपको छुपी हो तो मैं माफी मांगती हूँ, ना समझी जान के माफ कर दीजिए। ठीक है, कर दिया माफ, लेकिन अभी जो गलती कर रही है ना, वो माफी के लायक नहीं है। अभी अब हुआ क्या है? आपकी बेटी भरी बरसात में आंगन में नाच रही थी। अगर इस जगह पे मेरी जवान छोकरी आंगन में नाचती ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ देती। लेकिन आपने तो सर पे चढ़ा के रखा है कुमुद को, जाने दीजिए इस बात को। लेकिन हाँ, उसकी समझ में ये भी नहीं आया कि घर में मेहमान आए हुए हैं और जिस लड़के ने उसको ना कहा वो लड़का भी यही है, तो ऐसी हरकत वो कैसे कर सकती है? लक्ष्मी नंदन और गुमान जी क्या सोचेंगे इस बारे में? यही सोचेंगे कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, या तो ना सुनने के बाद बावली हो गई आपकी कुमुद। तेरी बात करो छो भाभी। खुट्टी बात ना बोलो विद्या भाई, आज से निकली जा रही है कुमुद। उसे काबू में रखना हो ना तो जल्द से जल्द उसका ब्याह करवा दीजिए। की गई हुई एक एक बात सुना दी ने, वो भी मिर्च मसाला लगा के। हो गई सफाई? नहीं माँ, बस कर रही हूँ। घंटे पर एक ही काम ना किया कर, चल जल्दी हाथ चला। हाँ। हाय आंटी, खाने में कुछ है? हाँ है ना, ढोकला खाओगे? ढोकला? वाओ, पूछे मत, बस दे दीजिए। लगता है खाने पीने का बड़ा शौक है तुम्हें। नहीं नहीं, खाने का नहीं आंटी, घर के खाने का। परिवार के साथ रहना, माँ के हाथ का खाना खाना, ये सब पहली बार मिल रहा है मुझे। क्यों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ दुबई में नहीं रहते? दुबई? आंटी, मेरे पैदा होने के बाद मेरे माँ बाप गुजर गए थे। सरस को गुस्सा दिखाने के लिए उसके डैड है, मैं कैसे दिखाता, इसलिए मैंने गुस्सा करना और दुखी रहना छोड़ दिया। अच्छा किया। अपने दोस्त को ये क्यों नहीं सिखाया तुमने? आप लोगों ने सिखा दिया ना, मैं सच कह रहा हूँ आंटी, मैं उसको इतने सालों से जानता हूँ। उसकी प्रॉब्लम समझ के उसे उससे निकालना आसान नहीं था। पता आंटी, सरस की दो प्रॉब्लम्स थी, एक तो उसे अपने दिल की बात कहना नहीं आता था, वो कुमुद ने उसे सिखा दी, और दूसरी माँ की कमी जो आपने पूरी कर दी। वैसे आंटी, उस दिन जब आप सरस को अपने हाथों से शीरा खिला रहे थे ना,
मैं तो जल भूम गया था। उस दिन एक माँ की कमी जरूर महसूस हुई। कभी कुछ खास खाने का दिल करे तो मुझे बता देना, मैं बना दिया करूंगी। नहीं, पेट भर गया। मिस्टर सरस्वती चंद्र, सरस। अरे सनी, तू कब आया? कब आया? हम पिछले एक घंटे से साथ में। साथ में? हाँ, इसी कमरे में। अभी कैसीनो की डील फाइनल की थी हमने। फाइनल कर ली? अभी हमने डिस्कस करके उन्हें कंफर्मेशन लेटर भेजा है ना। डिस्कस भी कर लिया? अरे यार, कम ऑन डूड, कहाँ है तू? कहाँ, यही हूँ मैं। ओ हेलो, इधर देख, इधर इधर देख देख देख, ये तेरे चेहरे पे क्या है? क्या है? स्माइल। तू स्माइल कर रहा है? नहीं नहीं, मैं स्माइल नहीं कर रहा हूँ। क्या कुछ भी बोल रहा है तू? अभी आया ना रूम में? अभी आया ना तू रूम में? हाँ अभी आया, और लगता है कि बहुत बड़ी बात मिस कर दी मैंने। बड़ी बात? क्या बकता रहता है जब देखो। अब तो बिना देखे समझ गया कौन सी बड़ी बात मिस की मैं। कौन सी? किसी बहुत ही महान डूड ने कहा है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। शट अप। अरे अंधेरे में तीर मारा था, लगता है सही निशाने पे लगा है। अभी तक बाल भी नहीं पोछे और कपड़े भी नहीं बदले। सरस का रिश्ता आने के बाद जब पहली बार मैंने तुझे देखा था तब भी ऐसा ही निखार आया था तुझ पे। ऐसा मत सोचना मैं तेरा चेहरा पढ़ लूंगी। किसी का प्रेम पत्र पढ़ना गलत बात है। प्रेम पत्र? हाँ, जो तेरी सूरत पे लिखा है। बड़ी माँ, ये आप क्या कह रही है? मैंने कहा ना, मैं नहीं पूछूंगी, अगर तू बताना चाहे तो बता देना। बड़ी माँ, आपको दिया हुआ वादा मैंने पूरा कर दिया। बड़ी माँ, वो खुद कह रहा था कि वो अकेला नहीं है, उसके बापू उसके साथ है। बड़ी माँ, वो हंसने लगा है, हंसने लगा है वो, और अपने दिल की सुनने भी लगा है। शायद शायद नहीं बेटा, कहीं सुनी बातों में दुविधा हो सकती है। अपने दिल से पूछ, हाँ या ना में से सिर्फ एक ही जवाब आएगा। मेरा दिल तो जवाब दे चुका है बड़ी माँ, पर क्या उसके मन में भी यही है?